हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको ड्रैग हेडशॉट मारने की बेस्ट पॉसिबल सेटिंग बताऊंगा, जिसे का अगर आप अप्लाई करते हो तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में हेडशॉट मारे थे आप भी वैसे हेडशॉट मार पाओगे। एंड मैं इसमें सेटिंग के साथ साथ आपको चार ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा ना, आप ड्रैग हेडशॉट को किंग बनोगे। हालांकि गाइस, मैंने पहले भी ड्रैग हेडशॉट के ऊपर वीडियो अपलोड की है जिससे गाइस बहुत सारे बंदों को ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो गए हैं। बट गाइस, इंसान क्या होता है, दिन ब दिन इंप्रूव होने का कोशिश करता है कि मेरा गेम प्ले इंप्रूव हो। इसी वजह से गाइस मैंने उस दिन जो वीडियो अपलोड करा था ड्रैग हेडशॉट के ऊपर, उसके बाद मैंने अपने ड्रैग हेडशॉट के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद मैं फिर से गाइस ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं गाइस आपको ड्रैग हेडशॉट मारना नहीं बताऊंगा। मैंने ड्रैग हेडशॉट के ऊपर वीडियो अपलोड करी, आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ड्रैग हेडशॉट इंप्रूव करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा फोर, जिससे आपका ड्रैग हेडशॉट लगना पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरा तो बढ़ गया है एंड गाइस आपको भी बढ़ जाएगा होपफुली, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तब की बात बोल रहा हूँ। तो चलो गाइस, जब हम अपना टिप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं जो आपका ड्रैग हेडशॉट बढ़ाने में मदद करता है, वो है गाइस हमारा DPI। यानी कि गाइस अगर आपको ड्रैग हेडशॉट मारना है तो गाइस आपका DPI बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मतलब आपके फ़ोन के कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। पहले गाइस मैं अपना 500 DPI पे खेलता था, मेरा उतना हेड नहीं लगता था। उसके बाद मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट करा, अपना DPI के लेवल को गाइस 450 कर दिया। एंड गाइस जिन बंदों को DPI के बारे में नहीं पता, मेरी वीडियो चैनल पर आकर देखो, उसमें मैंने DPI के बारे में बता रखा है कि DPI क्या होता है। DPI से गाइस सेंसिटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो गाइस मैं पहले 500 DPI पे खेलता था, फिर गाइस मैंने कल परसों मैंने 450 DPI करी है, जिसके बाद से मेरा हेड लगना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एंड मैंने जो स्टार्टिंग में हेड मारा था उस वक्त भी मेरी DPI 450 ही थी। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ, जिन बंदों के पास 4GB वाला रैम फ़ोन है, वो एक बार अपने DPI लेवल को 450 करके देखे, उसके बाद हेड मारने का ट्राई करें। लगता है नहीं लगता कमेंट में आकर ज़रूर बताना। मैं तो आपको 100% बोल रहा हूँ आपका हेडशॉट रेट पहले से बढ़ेगा। एंड ये सबसे ज़्यादा बेस्ट DPI सेटिंग है 4GB और रैम वाले के लिए। एंड ये मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट करा है, मैं अपना DPI लेवल हर वक्त बदलते रहता हूँ, मतलब एक मैच खेला फिर बदलता हूँ, दूसरा मैच खेला बदलता हूँ। एंड जब मैंने 450 करके देखा तो मेरा हेडशॉट लगना काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर आप अपने DPI को ज़्यादा रखते हो तब भी गाइस हेड नहीं लगता, एंड अगर आप कम रखते हो तब तो कभी लगेगा ही नहीं। इसी वजह से मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, जिन बंदों के पास 4GB वाला फ़ोन है वो एक बार 450 DPI पे खेल के देख। एंड जो बंदा चाहता है कि मैं 1GB रैम वालों के लिए, 2GB और 3GB रैम वालों के लिए ये DPI की बेस्ट सेटिंग बताओ एक्सपेरिमेंट करके, तो गाइस इस वीडियो को 50K व्यू पहुँचाओ तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड मेरे पास 1GB 2GB और 3GB वाला फ़ोन है नहीं, मुझे वो कहीं से अरेंज करना पड़ेगा तभी मैं वो वीडियो बना पाऊंगा। इसी वजह से गाइस मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओ, 50K व्यू करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब गाइस मैं एक्सपेरिमेंट करके 1GB 2GB और 3GB वाले के लिए बेस्ट DPI सेटिंग बताऊंगा। एंड जिनका फ़ोन 8GB का, उनके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी क्या सेंसिटिविटी पहले से ज़्यादा रहती है, अपना वो थोड़ा सा भी ड्रैग करेंगे उनका हेड लग जाएगा, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपना टिप नंबर 2 का, जो आपका ड्रैग हेडशॉट इंप्रूव करने में मदद करता है, जो कि गाइस आपको अपना जो फायर वाला बटन है उसको ऑलवेज नीचे रखना है, बीच पे नहीं रखना है। गाइस मेरा फायर वाला बटन देखो कहाँ पे रखा है, एकदम नीचे रखा है, जिससे गाइस मैं अगर मैं ड्रैग करूँ तो मेरा ड्रैग करने के लिए थोड़ा स्पेस मिले एंड वो जो एम है गाइस उसके हेड पे चले जाए, ठीक है। इसी वजह से गाइस आपको अपना जो फायर वाला बटन है उसको थोड़ा नीचे रखना है एंड इसका साइज़ को छोटा रखना है। ये मैंने पहले आपको ड्रैग वाले वीडियो पर बता रखा है। जिन बंदों ने मेरी ड्रैग वाली वीडियो नहीं देखी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो बंदे इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा टिप नंबर 2 ड्रैग हेडशॉट इंप्रूव करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर हम वही बात करें अपना टिप नंबर 3 का, जो आपका ड्रैग हेडशॉट इंप्रूव करने में मदद करता है, ये गाइस गोल्डन टिप है आपका ड्रैग हेडशॉट इंप्रूव करने के लिए। एंड हर प्रो प्लेयर इसको यूज़ करता है, आपने मोंटेज वीडियो में देखा होगा, जो कि गाइस जब आपका स्टार्टिंग का एक दो गोली नहीं लगता ड्रैग हेडशॉट में, यानी कि गाइस जब आप ड्रैग मारते हो और स्टार्टिंग का एक दो गोली हेड नहीं लगता, बॉडी शॉट लगता है, तब गाइस आपको ऐसे उठना है, बैठना है, फिर गोली मारना है, जैसे आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वैसे करना है गाइस। अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो तो आपका ड्रैग हेडशॉट पहले से ज़्यादा लगेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो गाइस ये था हमारा टिप नंबर 3। एंड फ्रेंड्स, अगर हम वही बात करें अपना लास्ट टिप की, जो बहुत ज़्यादा अच्छा टिप है हेडशॉट बढ़ाने के लिए, जो कि गाइस आपको ऑलवेज क्यूपिड स्कार चॉइस करना है एग्जामेट की जगह ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए। तो बहुत सारे बंदे सुन के हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि सबको पता है कि एग्जामेट अच्छा है क्यूपिड स्कार से, बट गाइस ड्रैग हेडशॉट हमारे क्यूपिड स्कार से ज़्यादा लगता है एग्जामेट के अलावा। गाइस आप एक टर्निंग मोड खेलना, उस पर गाइस खुद ही एक्सपेरिमेंट करना, आप एक में एग्जामेट लेके खेलना और एक में क्यूपिड स्कार लेके खेलना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है ड्रैग हेडशॉट मारने के लिए। लॉन्ग रेंज में तो गाइस हमारा एग्जामेट अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट गाइस अगर हम वही बात करें ड्रैग मारने के लिए, तो हमारे ड्रैग मारने के लिए क्यूपिड स्कार से अच्छा गन कोई नहीं है। आप भी ट्रेनिंग मोड पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। तो गाइस यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारे ड्रैग हेडशॉट इंप्रूव करने के ऊपर 4 टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में आप तक ऐसे वीडियो पहुंचाते रहूं। एंड हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं अपने चैनल पर ऐसे फ्री फायर गेम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।